बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं गोभी गोश्त, जिसके लिए हमने ये गोभी ली है। एक फूल है ये मीडियम साइज़ का, इसको काट के वॉश करके रख लिया है। टमाटो लिए हैं 2, ग्रीन चिली भी 2 लिए हैं, 2 अनियन लिए हैं, और जो ये वाले हैं ना, ये गोभी की जो ये वाली डंडियाँ होती हैं सॉफ्ट वाली, ये वाली काटी है हमने। धनिया लिया है, गार्लिक लिया है जुलियन कट, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, क्रश्ड चिली, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, ऑयल लिया है, और हमने लिया है 1 किलो बोनलेस लाम लेग का। अब हम ये अनियन और ये वाले इसमें डाल देंगे। हम तो पानी नहीं इतना ज़्यादा यूज़ करते मीट में, बिकॉज मीट में अपना भी रिलीज करना है, अनियन टमाटो का भी होना है, तो वो इतने में ही गल जाता है। अगर बहुत हो शायद 1/4 कप डालना हो, अगर चाहें आप तो डाल लें, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हल्की आंच ज़रा कर दें तो खुद ही निकल आता है। ये भी डाल देंगे टमाटो और ग्रीन चिलीज, इनका भी पानी होता है ना इतना। ये सारे मसाले डाल देंगे अभी। इसको मिक्स करके ना लेट दे के इसको कुक होने के लिए रख देंगे। इसको कवर कर देंगे अब जब तक ये अच्छी तरह गल जाए, भूनने के स्टेज तक पहुंच जाए। अभी इसको 10-15 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, अभी इसमें है पानी, ये ड्राई करेंगे जब तक ये भी गल जाएंगे साथ साथ। आप अपने मीट के हिसाब से पानी डालें ना, तो जिस जो आपको अपने पता होता है कितने में गल जाएगा ना। ये बोनलेस है ना, छोटे पीस हैं, ये जल्दी हो जाएगा जी। बाइट साइज ही बोटियाँ की हुई हैं। हमारे बच्चे सब्जी के साथ अगर हड्डी वाला हो तो वो पसंद नहीं करते बच्चे बड़े। हमारे तकरीबन इसका पानी काफ़ी ड्राई हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के अब भूनेंगे इसको काफ़ी, इवन 10-15 मिनट भून लें अच्छे तरह। हमने 1/2 कप ऑयल डाला है, अगर आपको कम या ज़्यादा का हो तो कर लें एडजस्ट, क्योंकि अभी इसके अंदर वो गोभी भी जानी है, फिर वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो कोई मसला नहीं है, बेशक आप 2 टेबल स्पून फिर आप गोभी ना पका के खाएं, फिर स्टीम करके खाएं। इसको हमने ऑयल डाल के अच्छी तरह भून लिया ना, तकरीबन 10 मिनट्स हो गए इसको भूनते हुए। थोड़ा सा इसमें योगर्ट डाल दें, सॉरी आपको पहले नहीं दिखाया, हम डालते हैं तो प्रिपरेशन के टाइम पे याद भूल गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा और भून के फिर गोभी डाल देंगे। इसके साथ टेस्ट अच्छा हो जाता है। सब योगर्ट डाल के पहले 2-4 मिनट और भून लें तेज आंच पे, ही इंशाल्लाह भून के इसको तो अंदर फिर अपने लोगों भी याद कर। अब ये हमने डाल के ना दही डाल के भून लिया अच्छी तरह, अब गोभी डालेंगे इसमें। बस अच्छे से मिक्स करके इसको फिर ज़रा आँच हल्की कर दें कि ज़रा ये कुक हो जाए। हाँ जी, गोभी स्टीम में ज़रा कुक हो जाए। अगर हो गया ना स्टीम भी, तो इसमें थोड़ी हो जाना है। हाँ जी, पानी भी छोड़ देना है। अगर आपको लगे तो बेशक आप थोड़ा सा ठंडा पानी का दे दें, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टीम के साथ ही ना हो जाना है इसमें, इंशाल्लाह हल्की कर देना। हमारी हांडी नीली रेडी हो गई है, गोभी भी डल गई है, अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया डाल देंगे, जिंजर कट, जो जिंजर वो कट जो हमने कट किया था जूलियन कट, वो डाल देंगे।
अब आपको बाद में डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रहे हमारा गोभी गोश्त रेडी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करना और हमें फीडबैक भी देना आपका कैसा बना। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।